हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और हम हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई। और आज फिर से आप सभी के सामने है एक नए वीडियो के साथ। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं फालतू का हंस करूँ, तो पीछे दो चार इसे पागल जैसी लड़कियां बैठी है, हमारे यहाँ पढ़ती है, तो वो लोग अजीब अजीब सा मुंह बना रहे, उनका मुंह ही अजीब है, तो देख के हंसी आ जाती है। हाँ, प्यारे बच्चे हैं सब, हम ऐसे ही बोल दिए थे, तो उन्हीं को देख के हंसी आ रही है। लेकिन इस हंसी के बीच में ये टॉपिक है क्या कि नीट का सिलेबस रिड्यूस हो गया और उसके बाद चार क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो नीट का सिलेबस रिड्यूस हो गया बोल के सर ना बहुत सारा व्हाट्सएप में फॉरवर्ड चले जा रहा है, और यूट्यूब के थंबनेल में भी लिखा, शायद हम लोग भी ऐसे लिख देंगे, नीट सिलेबस रिड्यूस्ड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारा जो भैया है ना, जो बढ़िया से एडिटिंग करते हैं, वैसी वाला थंबनेल बनाते हैं, और वही देख के आप आओगे। और फिर मैं आपको क्या बताऊंगा कि नहीं हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, क्यों। अब ये जो अफवाह उड़ रहा है वो इस बेसिस पे उड़ रहा है कि एनसीईआरटी की बुक में से ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ चैप्टर को रिड्यूस कर देंगे, किसमें से, एनसीईआरटी के चैप्टर्स में से। एनसीईआरटी जो है एक पब्लिशिंग यूनिट है, ठीक है। सीबीएसई जो है वो एजुकेशनल बोर्ड है, और जो नीट का एग्जाम है वो एंट्रेंस टेस्ट है, और इस सब में बहुत अंतर है। अगर एनसीईआरटी अपने बुक में से कोई चैप्टर डिलीट कर देती है तो ऑटोमेटिकली सीबीएसई के सिलेबस में से नेक्स्ट ईयर वो चैप्टर डिलीट हो जाएगा, क्योंकि सीबीएसई जो है जो बुक यूज करती है वो एनसीईआरटी की है। सीबीएसई गवर्नमेंट बोर्ड है, एनसीईआरटी गवर्नमेंट पब्लिशिंग यूनिट है। तो अगर एनसीईआरटी से कोई चैप्टर या टॉपिक डिलीट हो जाता है, ऑमिट हो जाता है, तो सीबीएसई जो है वो पढ़ा ही नहीं पाएगी। कहाँ से पढ़ाएगी अगले साल, कहाँ से पढ़ा लेंगे, पुराना पुस्तक से पढ़ाएंगे, कोई मतलब नहीं है, फिर क्या मतलब एनसीईआरटी खरीदने का, ठीक है ना। तो अब इसका ये मतलब है कि अगर एनसीईआरटी में कोई चैप्टर दिया है तो सीबीएसई उसको पढ़ा सकती है, लेकिन ये कंपलसरी भी नहीं है। तो देखिए क्या होता है, जैसे अभी कोविड का टाइम आया था, कोविड के बाद भी सीबीएसई ने क्या किया था, अपना करिकुलम, अपना सिलेबस जो है वो रिड्यूस किया था। तो एनसीईआरटी में चैप्टर थे लेकिन सीबीएसई जो है उसको अपने एग्जाम्स में इंक्लूड नहीं कर रही थी, ठीक है। तो सीबीएसई जो है वो अपने अपना सिलेबस अलग बनाती है, और वो जो बुक यूज करती है बच्चों को पढ़ाने के लिए वो है एनसीईआरटी। वैसे ही हर बोर्ड ऑफ एजुकेशन में ऐसे अलग अलग सिलेबस होता है, जो बुक वो प्रिफर करवाती है बच्चों को वो पब्लिकेशन अलग होता है, जैसे छत्तीसगढ़ बोर्ड में अलग अलग पब्लिकेशन है। तो पब्लिकेशन अगर कोई चैप्टर रिमूव करती है या एड करती है तो वो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बोर्ड को कंट्रोल कर रही है, बोर्ड अपना सिलेबस अलग रिलीज करता है, हाँ, बट ये है कि अगर कोई चैप्टर रिमूव या ऐड होता है तो सीबीएसई अपना सिलेबस को ऑब्वियसली चेंज करेगी। लेकिन नीट का एग्जामिनेशन जो है वो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एनसीईआरटी की बुक से ही होना चाहिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन हाँ, अभी जब तक नीट चल रहा था और पुरानी बुक्स चल रही थी तब तक यही सिलेबस था। अब ये हो सकता है कि बुक चेंज होने पे नीट का सिलेबस चेंज होगा और नीट का सिलेबस जो है वो एनटीए बताएगी। अभी तक तो यही चल रहा है, बाद में कोई और बता देगा तो अलग बात है, बहुत सारा पचड़ा होता है यहाँ पे, बहुत कंझट चल रहा है यहाँ पे। तो नीट का सिलेबस एनटीए बताती है। अभी जो रिडक्शन हुआ है वो एनसीईआरटी की बुक में हुआ है जो कि पब्लिशिंग यूनिट है। नीट के सिलेबस में किसी तरीके का कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है। नीट के सिलेबस में रिडक्शन कौन बताएगा आपको, एनटीए बताएगा। एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगा और वो पूरा नोटिफिकेशन आपको एनटीए की वेबसाइट में मिलेगा। और इस साल कुछ नहीं होने वाला है, इस साल एनसीईआरटी ने कुछ रिड्यूस नहीं किया है, इस साल वही बुक पढ़ रहे हैं साल भर, 11वीं 12वीं के बच्चे जो चल रहा है, कुछ भी नहीं हटा है। तो इस साल तो ना तो सीबीएसई का कोई सिलेबस घटने वाला है, ना ही नीट का, और नीट का सिलेबस घटने का शायद ही कोई चांस है, ठीक है। तो बुक में से अगर कोई टॉपिक हट जाता है तो नीट के ऊपर फर्क पड़ना ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि नीट कभी ये नहीं बोलती कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, आपको बाहर से पढ़ना होता है, ठीक है, वो नॉलेज बेस्ड है। बट इस साल तो कुछ नहीं हो रहा, इस साल कुछ नहीं हो रहा और नीट का सिलेबस कोई रिड्यूस नहीं होने वाला, जितना दिया है पूरा पढ़ना पड़ेगा, सारे 38 चैप्टर में जितने टॉपिक हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे, इतना बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। और अगर मान लीजिए सब कुछ चेंज होने भी वाला है तो इस साल नहीं होने वाला, अभी 7 मई को जो पेपर है उसमें कुछ भी कम नहीं होगा, सिंपल सी बात यही है, ठीक है, बस इतना ही बताना था।
और थंबनेल देख के आए थे, क्लिक किया था और आपको लग रहा था खुशी खुशी कि कम हो जाएगा, तो दुख की खबर है। और अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि नहीं होना चाहिए तो आपके लिए अच्छी खबर है। वीडियो देख लिए हो तो थैंक यू वेरी मच, और वीडियो एडिट करने वाले को भी थैंक यू वेरी मच, और थंबनेल अच्छा बना दीजिएगा, वैसे भी आप हमेशा अच्छा ही बनाते हैं। और कल फिर मिलते हैं, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर। अरे हाँ, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दीजिएगा।